पब्लिक टीवी आपकी आवाज। जहां एक ओर पूरा देश शहीदों को याद कर रो रहा था, वहीं MIT के छात्रों द्वारा अपने स्टेटस पर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा बुलंद किया गया, जिसे देख मुरादाबाद के हिंदू संगठन उग्र हो गए और इसका सभी ने विरोध करना शुरू कर दिया। तो वहीं कॉलेज में भी छात्रों द्वारा इसका पुरजोर विरोध किया गया और कॉलेज में फायरिंग तक की गई। खूब हंगामा हुआ, नारेबाजी हुई। आनन फानन में कॉलेज प्रशासन के द्वारा निर्णय लेते हुए छात्रों को कॉलेज से बर्खास्त करने की कार्यवाही की गई, लेकिन अन्य छात्र इस कार्यवाही से संतुष्ट नहीं हुए और गिरफ्तारी की मांग करते रहे। इस मामले की जानकारी पुलिस को लगी तो पुलिस भी मौके पर पहुंची और सभी को शांत कराया, साथ ही कार्यवाही की बात कही गई। सर, ये जो फर्स्ट ईयर फार्मेसी का स्टूडेंट है, मुजस्सिम नाम कनी नाम का स्टूडेंट है, और ये हम लोगों ने जो इंक्वायरी की है उसमें इसके जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर ये पाकिस्तान जिंदाबाद लिखा हुआ पाया गया है। उसको हमने तुरंत सस्पेंड के लिए रिकमेंड कर दिया गया है, इंक्वायरी गठित कर दी गई है, जिससे कि इसको बिल्कुल जो है उसको कंडीशंस को देखते हुए उसको अग्रिम कार्यवाही की जाए। सर, कौन स्टूडेंट है वो और किस फर्स्ट ईयर फार्मेसी का स्टूडेंट है भी, जस्ट हमारे यहाँ उसको 3 महीने 4 महीने ही आए हुए हैं। वो ये यहाँ उमरी पाकबड़ा सब्जीपुर पाकबड़ा उमरी जो जगह है वहाँ का रहने वाला स्टूडेंट है। सर, कुछ लोग पहुँचे भी थे यहाँ पे, जिन लोगों ने फायरिंग वायरिंग भी यहाँ पे की थी अब कॉलेज के बाहर आपके जी हुआ था, उसमें क्या कार्रवाई आप लोग कर रहे हैं? CCTV सर, उसमें हम फुटेज निकाल कर देख रहे हैं और पुलिस को जो है उसके लिए FIR के लिए रिकमेंड कर रहे हैं, भेज रहे हैं कि जो है पुलिस अपने हिसाब से उसको जांच करे और उसमें कार्रवाई करे। सर, जो गेट के बाहर का मैटर आपने वॉच करे उसमें फायरिंग, सर अभी तो हम कुछ देख भी नहीं पाए हैं, अभी आप लोगों के साथ ही हैं, टच में हैं। बच्चों को सबसे पहले इम्पोर्टेंट देश हित में देखते हुए, देश के सम्मान के रिस्पेक्ट में हम लोगों को बहुत ज़रूरी है कि देश भावनाएं जुड़ी हुई हैं और हम लोग जो है इसमें बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं देश के हित में, और तुरंत हमने उसको सबसे पहले इसको समझा कि साहब बच्चे को पहले देखा जाए कौन है, किस टाइप से है, क्या उसके व्हाट्सएप पर, क्या फेसबुक पर है, और उसी बेसिस पर जो है हमने उसको सस्पेंड किया है। सर, क्या इसमें कोई नेता भी है किसी पार्टी से जिन्होंने आके झगड़ा कराया? नहीं, इस टाइप से कोई ऐसा नेता नहीं है, ऐसा कोई नेता नहीं है जिन्होंने कुछ हमसे कुछ इस टाइप से रहा हो, वो तो एक जो है कोई इस टाइप का मैटर है नहीं है। शिकायत करने कौन आया था आपसे? शिकायत करने कुछ लोग जो है गेट पर आए थे कि साहब हम कुछ इस टाइप से बच्चा है आपका, तो हमने उनको यही बोला कि भाई देखते, हम उनको जानते तो है नहीं, कोई बाहरी व्यक्ति थे। अभी तक इस स्टूडेंट का आचरण कैसा रहा? अभी मैम 3 महीने हुआ है और सर क्लास अभी में तक तो ठीक है। सर, किस पोस्ट पे आप यहाँ पे? मैं तो सर डायरेक्टर हूँ, सर डायरेक्टर फार्मेसी स्वयं सर भी है। ठीक। तो वहीं जब इसकी जानकारी हिंदू संगठनों और युवा मोर्चे को लगी तो वो भी उग्र होकर प्रशासन से आरोपी को पकड़ने की मांग करने लगे, साथ ही सभी ने इसकी घोर निंदा करते हुए प्रशासन से गिरफ्तारी की मांग की। नाराज हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने पीली कोठी पर जाम लगा दिया, जिसके बाद प्रशासन के भी हाथ पैर फूल गए। मौके पर पहुंचे CO सिविल लाइन द्वारा सभी को समझा बुझा कर शांत कराया गया और जाम खुलवाया गया। सभी हिंदुत्व के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने आरोपी की जल्द गिरफ्तारी के आश्वासन पर जाम खोला। जहां एक तरफ देश के जवान शहीद हुए हैं और एक तरफ पूरा देश रो रहा है, पूरा मुरादाबाद रो रहा है, वहां एक तरफ MIT का स्टूडेंट देशद्रोह के नारे लगा रहा है, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहा है, उसके खिलाफ हमने मुकदमा दर्ज कराया तो 153A में दर्ज कराएंगे, हम देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कराएंगे जब तक नहीं हटेंगे यहाँ से। जब तक देशद्रोह का मुकदमा नहीं दर्ज होगा हम नहीं हटेंगे यहाँ से। पुलिस प्रशासन के द्वारा किए गए वादे के अनुसार व्हाट्सएप स्टेटस पर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा बुलंद करने वाले छात्रों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया और उसे गिरफ्तार करके जेल भेजने की तैयारी की गई। MIT में जो प्रकरण हुआ था उस संदर्भ में जो तहरीर प्राप्त हुई थी उस हिसाब से मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया, जो अभियुक्त है उसको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। सर, जो तहरीर की है तो क्या इन्होंने अपनी तरफ से तहरीर में लिखवाया है, किस तरह से इन्होंने मुकदमा दर्ज कराया? जो तहरीर जो विवाद हुआ था उस संदर्भ में उनकी एक तहरीर आई थी, जिसके संबंध में हम तहरीर के अनुसार जो धारा बनती थी उसमें मुकदमा पंजीकृत कर लिए गए हैं और उसको जो अभियुक्त है उसको गिरफ्तार करके जेल भेज रहे हैं।